लेकिन मेरे ना बैक में जनरल आईडी को पसंद नहीं, तो वह आज मैं आप लोगों को एचटीएमएल के जरिए फॉर्म बनाना सिखाऊंगी कि कैसे हम एचटीएमएल में अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज पे किस तरीके से हम शो करा सकते हैं और सबसे किस तरीके से उसका जो प्रोग्राम है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंपल वे में, ईजी वे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इससे ज़्यादा ईजी वे में कोई नहीं बता सकता। तो आज चलते हैं मेरे अपने प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने एक क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर मैंने इंटर यूज़र नेम डाला हुआ है, इंटर लास्ट नेम, फादर्स नेम डाला हुआ है पर। तो चलते हैं मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है फॉर्म के नाम से, एचटीएमएल फॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म में सिर्फ इसका जो फॉर्म टैग है वो यूज़ किया हुआ है, सिर्फ हमें एक ही टैग यूज़ करना है फॉर्म का, वो भी ओपन टैग, वही हमारा ओपन क्लोज होता है। तो चलिए हम अपने इस प्रोग्राम को मैं आपको रन करा के दिखा देती हूँ, सेव इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ फॉर्म्स, फॉर्म एचटीएमएल। तो ये मेरा सेव हो गया। तो चलो मैं आप लोग को इसको रन करा के दिखाती हूँ। तो ये रहा, तो इसको हम ग्राउंड में अपने देखें। मैंने यहाँ पे जस्ट एक बार मतलब फॉर्म की डेट के बाद जब मैं इंटर यूज़र नेम, इंटर लास्ट नेम में गया हुआ, फिर वहाँ पे सी एन एस सी, फिर फादर्स नेम, एक इंटर लाइन में, फिर दूसरी लाइन में डेट ऑफ बर्थ, ये एक रो बन गई है अपने हमारे जो फॉर्म है उसकी। तो चले मैं इसको आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे इंटर यूज़र नेम किया, इनपुट टाइप किया था, टेक्स्ट लिखा, फिर मैंने इसको साइज दी, इसको बाहर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है वो होता है टाइप। तो यहाँ पर मैंने एक ही और क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं एक और रो आप लोगों को सिंपली समझाने के लिए एक रो क्रिएट करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रो क्रिएट करती हूँ जो जिस पे लिखती हूँ कि हमें पासवर्ड डालना है। जो पासवर्ड है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगी एक मिनट। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूंगी इनपुट, जो हमारा टैग है इनपुट, फिर स्पेस, फिर टाइप, फिर जो है हम यहाँ पे डबल कोटेशन देंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट हमारी मर्जी है इसको साइज दें या ना दें, मैं नहीं दे रही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी आप लोग को दिखा देती हूँ साइज दे के। साइज हमने इसको दी है पहले तो 25, तो यहाँ पे इसकी 25 है, तो मैं इसको देती हूँ 20 दे देती हूँ गैस से, फिर डबल कोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओके दे, इसको सेव करते हैं, सेव इस, सॉरी सेव इस। तो यहाँ पे मैंने एचटीएमएल फॉर्म के एकदम से सेव कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एकदम से सेव करती हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने, सॉरी उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे मैंने उनके नाम से सेव किया था। तो देखें, मैंने इसमें कोई वेट या कोई नहीं दिया, तो इसकी हल्की रो बन गई। यहाँ पे मैंने खुद जो है वो वेट और साइज दिया हुआ है, मैक्सिमम साइज दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा एचटीएमएल फॉर्म है जो क्रिएट होता है अच्छे तरीके से अपने वेब पेज पे हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इससे इजीली आप लोग को कोई नहीं समझा सकता। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोज़ बना के अपलोड कर सकूँ। और अगर आप अपने कमेंट्स में मुझे इसके बता सकते हैं कि कैसी वीडियो थी और किस तरीके से मैंने किया, तो इसके बारे में आप लोग मुझे मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू।